चलिए अब आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का सबसे बड़ा संकल्प है जम्मू कश्मीर को शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाना। हमारा सबसे बड़ा संकल्प है शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना। भाइयों और बहनों, ये 10 साल में जो हुआ है, हम काफी मंजिल के काफी नजदीक। एक बार जम्मू कश्मीर की जनता का, आवाम का अगर हमें आशीर्वाद मिल जाता है तो मैं भरोसे से कह सकता हूं भारत के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ के बच्चे भी भारत के विकास में योगदान भी देंगे और जम्मू कश्मीर में साच अर्थ में स्वर्ग बनाने का काम यहीं के युवा करेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुका है, ये कभी लौटकर नहीं आ सकता। मैं एनसी का घोषणा पत्र पढ़ता था, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी करती है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल इसका मौन समर्थन करती। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से दो झंडे प्रस्तापित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? क्या आप 370 फिर से वापिस लाना चाहते हो? वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 40 नामों को शामिल किया गया है। स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहला नाम है मल्लिका अर्जुन खड़गे का, जबकि दूसरा नाम है सोनिया गांधी का। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल समेत कई दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधानसभा की कुल 90 सीटों के लिए हुए सीट बंटवारे के तहत 51 और 32 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा माकपा और जेकेएनपीपी को एक एक सीट आवंटित की गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होना है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को, जबकि तीसरे चरण के लिए वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक को लेकर विवाद और चर्चा का बाजार गर्म है। क्या है इस कंट्रोवर्सी की वजह? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 1000 से ज्यादा और निफ्टी करीब 300 अंक तक लुढ़क गया। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। डिटेल समझते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, मार्केट में आज बड़ी गिरावट रही, कहां से इतनी कमजोरी आई? के बाजार की बात करें तो आज एक बहुत ही नरम शुरुआत रही और एंड ऑफ द डे लगभग 250 पॉइंट के नुकसान के साथ हमने निफ्टी पे कारोबार ख़त्म किया। 25,000 के नीचे आपको निफ्टी का लेवल जाता हुआ नज़र पड़ा, तो पहली बार हमने बहुत दिनों के बाद एक 25,000 के नीचे का लेवल देखा। और कहीं ना कहीं अगर हम सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्स जो हैं वो लाल निशान के साथ ही बंद हुए। खास करके PSU बैंक, फार्मा, IT, ऑयल एंड गैस शेयरों में आपको बिकवाली हावी दिखी। और अगर हम स्पेसिफिकली PSU डिफेंस स्टॉक्स की बात करें या बहुत सारे फार्मा शेयरों की बात करें तो वहां भी मुनाफा वसूली हावी थी। यतिन, ये भी जानना चाहेंगे आज किन सेक्टर और शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट रही और गेनर्स का क्या हाल है? देखिए, अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो बहुत चुनिंदा निफ्टी गेनर्स थे और उनमें सबसे पहले आपको बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स दिखेंगे, क्योंकि कंपनी के सब्सिडियरी का IPO आ रहा है तो स्टॉक में लगभग 1% का एक्शन था।
इसके अलावा एशियन पेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील और दिवीज लैब जैसे काउंटर्स में खरीदारी का माहौल आपको दिखा। लूजिंग साइड पे बहुत सारे सरकारी स्टॉक्स आपको दिखेंगे, एनटीपीसी, बीपीसीएल 2-3% की गिरावट। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जैसे काउंटर्स में भी बैंकिंग सेक्टर में से 2-2% की गिरावट दर्ज हुई। अगर हम बात करें मिड कैप में गेनिंग स्टॉक्स की, तो गॉडफ्रे फिलिप्स, एसबीआई कार्ड, टाटा टेक्नोलॉजी जैसे काउंटर में खरीदारी का माहौल रहा। खास करके एसबीआई कार्ड एफएनओ का टॉप गेनर आपको बनता हुआ नजर पड़ा। और लूजिंग साइड में अगर हम बात करें तो इजी ट्रिप जो यस्टरडे चढ़ा था, यहाँ प्रॉफिट टेकिंग हुई 6% नीचे। मिंडा कॉरपोरेशन, चेन्नई पेट्रोल, इंडियन बैंक जैसे काउंटर्स में 5-6% की गिरावट दर्ज हुई। शुक्रिया रतन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो सेबी के अगस्त 2023 में आए एफपीआई डिस्क्लोजर नियम पालन करने का आज आखिरी दिन है माना जा रहा है। इसी नियम के चलते आज बाजार में गिरावट है। क्या है पूरी खबर और क्या है नियम, बताने के लिए हमारे साथ है सीएनबीसी टीवी 18 के वरिष्ठ सहयोगी निमेश शाह। तो निमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में। एक सिंपल सी चीज है जो मैं आपको समझाऊंगा कि आज क्या हुआ और आज इसका रेलेवेंस क्या है। थोड़ा अगर आप बैक हिस्ट्री में जाओ तो अगर देखोगे तो अगस्त 23 में सेबी ने एक सर्कुलर पास किया था ऑन एफपीआईज, और उस सर्कुलर में बोला गया था कि अगर आप कोई अगर एफपीआई एक सिंगल स्टॉक में 50% से ज़्यादा अगर ओन करता है, या तो एक सिंगल ग्रुप में 50% से ज़्यादा ओन करता है, या उनका एयूएम जो होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है, अगर वो 25,000 करोड़ से अगर ज़्यादा है, अगर ये तीन उनके अगर क्राइटेरियाज है, तो उनको बोला गया था कि आपको जो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आप यू नो आपके जो एंड यूज़र्स है, ईच एंड एवरी एंड यूज़र की डिटेल आपको रेगुलेटर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको सिंपल टर्म्स में समझाओ तो बहुत पहले पीनोट का बहुत मिसयूज़ हुआ करता था, हमको पता नहीं चलता था कि उसका एंड यूज़र क्या है। सिमिलरली एफपीआई में भी अगर एक एफपीआई देखोगे तो उसमें 100-500 हज़ार इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो सभी का रेगुलेशन ये था कि हमको लास्ट एंड कस्टमर जो होता है आपका, या इन्वेस्टर जो होता है, उसकी भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप इन कैटेगरी में हो, अगर 50% ज़्यादा अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में ओन करते हो, या एक ग्रुप में आप 50% ज़्यादा अगर आपका एक्सपोजर है, या आपका अगर एयूएम साइज 25,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो अब ये जो सर्कुलर पास ऑन हुआ था आज, उसका टेक्निकली लास्ट डे है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये अगर आपने जो कंप्लाइंसेज सेबी ने डाले थे, अगर आपने वो कंप्लाइन कर दिए तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज आपको आज उसको नलीफाई कर, या तो आपको बेचना पड़ेगा या तो आपको नलीफाई करना पड़ेगा। इसमें भी आपको एक और एक ऐड करता हूँ कि इसमें और 6 महीने का प्रोविजन है कि कोई एफपी अगर आज अगर नहीं बेचना चाहता है तो वो और 6 महीने के बाद अनदर 6 महीने में बेच सकता है, लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपको 5% की पेनल्टी लगेगी ऑन द सेल वैल्यू। सो अगेन मैं ना एक बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ कि ये एक रीज़न हो सकता है आज के फॉल का, लेकिन हमको ये रीज़न नहीं है पैनिक करने के लिए। शुक्रिया निमेश जी विस्तार से ये खबर समझाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आरोपों से घिरी सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को अब संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी के सामने पेश होना पड़ सकता है। हालांकि कमेटी ने सिर्फ सेबी ही नहीं बल्कि सभी रेगुलेटर्स के कामकाज की समीक्षा करने का फैसला लिया है। तो इस बड़ी खबर पर जुड़ते हैं लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं पूरी खबर क्या है, संसदीय कमेटी के रडार पर सभी रेगुलेटर्स हैं, डिटेल्स जानना चाहेंगे आपसे। दरअसल संसद की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी है, उसने यह फैसला लिया है कि संसद के एक्ट के तहत जो भी रेगुलेटर स्थापित किए गए हैं उन सभी रेगुलेटर के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। चूंकि इसके दायरे में सेबी भी आ जाता है तो जाहिर तौर पर सेबी के भी कामकाज की समीक्षा की जाएगी, लेकिन सेबी पर ज्यादा फोकस इस वजह से हो गया क्योंकि पिछले कई दिनों से सेबी चेयरपर्सन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। आरोप लगाने वालों में कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब इस पीएसी के जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके चेयरमैन पर्सन जो है वो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है केसी वेणुगोपाल, इसलिए माना जा रहा है कि पीएसी में सेबी चेयरपर्सन को बुलाया जाएगा और उन पर ज्यादा फोकस रहेगा, उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी, जो आरोप लगाए गए हैं शायद उससे जुड़े हुए सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन पीएसी की बैठक में कब बुलाया जाएगा यह तय नहीं है। हालांकि माना यह जा रहा है कि शायद इसी महीने पीएसी की बैठक में बुलाया जाए। इस महीने पीएसी की 2-3 बैठकें होनी है, एक बैठक तो 10 सितंबर को होनी है। उस बैठक का जो एजेंडा है उसमें सेबी को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद की जो बैठकें हों उसमें सेबी चेयरपर्सन को बुलाया जाए और उनसे अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाए। एक बात यहां साफ कर दूं कि इसमें सिर्फ सेबी नहीं, दूसरे जो रेगुलेटर है जैसे टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI हो गया, ऐसे दूसरे रेगुलेटर जो संसद
से पारित एक्ट के तहत बनाए गए हैं उनके अधिकारियों को ये बुलाया जाएगा। और एक बात और कि ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो कोई फैसला नहीं सुनाती है, कोई एक्शन नहीं लेती है, दरअसल ये अपनी एक रिपोर्ट देती है जिस रिपोर्ट पर सरकार के ऊपर सरकार को अपना एक्शन लेना होता है। लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी में बुलाया जाना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। दरअसल पूरा मामला तब सामने आया जब पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अपने साल भर का एजेंडा जारी किया और उस एजेंडा में जो आमतौर पर होता नहीं है लेकिन इस बार पीएससी ने 6 आइटम ऐसे रखे जो सुओ मोटो रखे, यानी खुद से उसने सोचा कि इस पर हमें समीक्षा करनी चाहिए। उसमें से एक आइटम जो है वह है संसद के द्वारा पारित एक्ट के तहत स्थापित रेगुलेटर हैं उनके कामकाज की समीक्षा किया जाना, चूंकि इसके दायरे में सेबी भी आ जाती है इसलिए सेबी को प्रमुखता से देखा जा रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी घटाने का अंतिम फैसला अगले हफ्ते हो सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सोमवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसके अलावा डिजिटल लेन देन जीएसटी लगाने का भी फैसला किया जा सकता है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। तो आलोक बताएं इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या अहम फैसले हो सकते हैं। बिल्कुल देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस खरीदना जल्द ही सस्ता हो सकता है क्योंकि अगले हफ्ते सोमवार को जो जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी दरों में कटौती पर फैसला हो सकता है। दरअसल जो सबसे ज्यादा संभावना है उसकी इस बात की है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम सालाना 50,000 रुपये तक जमा करते हैं उसकी दरों को 18% से घटाकर 5% की जाए। हालांकि फिटमेंट कमेटी की तरफ से कई तरह के प्रस्ताव भेजे गए हैं जिस पर जीएसटी काउंसिल मंथन करेगा। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है उस पर यह फैसला हो सकता है कि जो प्योर जो टर्म इंश्योरेंस है उसको ही राहत दी जाए। इसके अलावा भी और कई सारे एजेंडे हैं जिसमें महत्वपूर्ण है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनकी सर्विसेज पर जो जीएसटी लगती हैं उससे किस तरह से राहत दी जाए या उस पर जो जीएसटी है वो लगता रहेगा क्योंकि पाइन लैब और रोजर पे जैसे कई सारी कंपनियां हैं जो कि सर्विसेज देती हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन पे और जो अभी नियम है वो उसके मुताबिक 2,000 से जो नीचे के लेन देन है उस पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए इस पर जीएसटी काउंसिल क्लैरिफिकेशन देगा और हो सकता है कि इस पर जो पेमेंट एग्रीगेटर्स कंपनियां हैं उन पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला हो जाए। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा मुद्दा है वो है जो इन्फोसिस समेत कई सारी कंपनियां हैं जिनमें खासतौर से दिक्कतें हैं ब्रांच और हेड ऑफिस की दिक्कतें हैं जहां पे सर्विसेज लेते हैं वहां पर जो DGGI की तरफ से जो टैक्स नोटिसेस गई हैं वहां पर कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है और साथ ही साथ जो फॉरेन एयरलाइंस उनको भी राहत मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कई सारे एजेंडे हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक पर जिस पर सोमवार के दिन फैसला हो सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब एक खबर आपको बताते हैं जो कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से जुड़ी हुई है। अब ट्रेन में मिल रहे खाने की पूरी जानकारी आपको QR कोड स्कैन करके मिल जाएगी। ट्रेनों में खाने की क्वालिटी सुधारने और यात्रियों को खाने से जुड़ी हर जानकारी देने के लिए रेल मंत्रालय ने IRCTC को खास निर्देश दिए हैं। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक IRCTC को पैक्ड फूड आइटम्स पर पैकेजिंग लेबलिंग मार्किंग QR कोड के साथ अनिवार्य करने को कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्कुलर है ये जो शुरुआत है पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल के समय में की गई थी लेकिन उसके बाद से ही जो पूरा QR कोड से लैस करने का मामला है वो ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा था और ऐसे में रेल मंत्रालय और IRCTC को सबसे ज़्यादा शिकायतें मिल रही थी और अब उन शिकायतों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और QR कोड से आप दाम एक्सपायरी डेट की जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि ये जो खाना है वो किस किचन में बना है। साथ ही साथ एक जानकारी ये भी दे दें कि अभी 150 क्लस्टर किचन हैं जहां पर ये PLM की सुविधा है और साथ ही साथ एक बड़ा निर्देश ये भी दिया गया है कि अगर कोई वेंडर या फिर सप्लायर QR कोड नहीं देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। आप देखते रहिए आवाज समाचार।